चली गई, क्यों चली गई? कम से कम किसी को बताकर तो जाना चाहिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी इतनी रात में कहाँ जा सकती है, आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी वो। भाभी उमेश भाई सारे घर में देखिए, पर तो कहीं कहाँ चली गई ये लड़की? क्या कहा, फालतू घर में नहीं है, कहाँ गई और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्या उसने तुम्हें भी नहीं बताया? लेकिन तुम दोनों तो साथ में थे ना? हम साथ में थे लेकिन प्रैक्टिस के बाद मैं थक गई थी तो मैं सो गई जाकर, फिर मुझे नहीं पता कैसे ढूंढेंगे फालतू को, कहाँ ढूंढेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं अभी भाई को कॉल करती हूँ, वो अपने गार्ड को कहकर फालतू को ढूंढवाने के लिए भेज देंगे। कोई जरूरत नहीं, आपने दवाई ली थी, आपको आराम करना चाहिए था। कमाल कर, हमारे घर की बहू घायल है और तुम कह रही हो आराम कर, ऐसे कर सकते हो? लड़की भी पता नहीं क्या चल रहा है, बिना कुछ बताए इसके लिए टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। फालतू की टेंशन तुम मत लो, वो बहुत समझदार है, उसे क्या करना क्या नहीं उसे सब पता है, वो जल्दी आ जाएगी। फालतू कितनी इरेस्पॉन्सिबल है सच में, और आपको वहां जाने का क्या मतलब था? अब अयान की तो नहीं है ना इधर कि उसे ढूंढने जाए, अरे एटलीस्ट बता तो देती कहाँ जा रही है क्या कर रही है, और कुछ ने तो एटलीस्ट फोन तो कर सकती थी ना। देखा सबने, लुक चेंज सबका, एंड सविता जी चलाया। फालतू बेटा कहाँ चली गई थी, तो कॉल नहीं कर दिया अगर ढूंढने के लिए, पर थैंक गॉड की आ गई। माँ फालतू से बात करवाओ ना मेरी। हाँ इनसे बात कर, कब से परेशान है वो तुम से। हेलो मार्सा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा, और ये क्या तरीका है बिना किसी को कुछ बताए गायब हो जाना, वो भी रात में, पता है कितने बुरे ख्याल आ रहे थे कहीं कुछ हो गया तो। मार साहब कुछ ना हुआ है, मैं बस वो अपने चाल वाले दोस्तों से मिलने गई थी, बहुत टाइम हो गया है ना इसलिए। फालतू बेटा आधी रात को क्यों? दोस्तों से मिलना के इतना जरूरी, और इस वक्त तुम मित्तल परिवार की बहू हो, ऐसा करना रात को ठीक नहीं है। फालतू बाबा का सवाल सही है, फालतू दोस्तों से मिलने में दिन में भी जाया जा सकता था ना, इतनी अर्जेंट क्या थी कि तुम ऐसे निकल गए? मार्ट साहब वो हमारे दोस्तों के पास ना हमारे पुराने मैच में खेले हुए कुछ पैसे हैं, तो बाबा को हमारे को वो पैसे भेजने थे, तो इसलिए मैं सीधा उनके पास ही चली गई कि वो बाबा के अकाउंट में भेज दें, हमारे को तो पता है ना उन्हें पैसे की कितनी ज़रूरत है। रियली फालतू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ, क्या मेरा विश्वास क्यों ना कर रही? एक मिनट, ये देखो कुछ पैसे मैंने बापू साहब को अकाउंट में डलवा दिए और बचे हुए पैसे मैं खुद ले आई। माँ ये तुम्हारी बात पर विश्वास ही ना हो, क्या बोल दूँ ना एक बार। बेटा हाँ तो सच में पैसे लेकर आई, और सुनो अभी वो आ गए हैं तो तुम चिंता मत करो, तुम रेस्ट करो, ठीक है, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता दो। कैसे बताती माँ, पहले घर में इतनी सारी परेशानी। फालतू रूहान से मिलने गई है, उससे रिक्वेस्ट करने गई है कि प्लीज़ ये वाली डील कैंसिल कर दे, क्योंकि फालतू के बस की नहीं है, पूरे परिवार दुनिया और अब तो सबसे झूठ बोलना, तो रिक्वेस्ट लेकर गई है। अब रूहान मानेगा ये नहीं है तो आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा। हाँ तो रूहान बड़ा वियर्डली बिहेव कर रहा है, उसने फालतू के लिए शैम्पेन तैयार की, एकदम रोमांटिक लाइटिंग की हुई है, फ्लावर्स बिछाए हुए हैं, तो फालतू इसलिए कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, फालतू को बहुत महंगा डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रूहान को एक सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है फालतू के लिए, पर फालतू इज़ द लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन हियर, उसका बस यही है कि जल्दी से जल्दी ये डील ख़त्म हो जाए और बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सके फालतू। मार्ट साहब तो बहुत गुस्सा होंगे क्योंकि वो तो हमेशा से कहते थे रूहान सही में उससे दूर रहो, पर फालतू अपनी मजबूरियाँ या फैमिली की खुशी के लिए कर रही है जो कर रही है, तो अब लेट्स सी मार्ट साहब का क्या रिएक्शन होगा।